पूरा फैला दिया है, दुकान बना लिया है। और ये देखिए, कौन सा कलर अच्छा ज़्यादा लग रहा है प्लीज़ आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। और ये देखिए मेरी ज्वेलरी, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, नहीं बात नहीं करने वाले, मैं दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों आज हम जो है ना, अब नवरात्रि आ रही है, हमारे बच्चे लोग गरबा खेलने जाते हैं, तो पूरा 5-6 दिन तो जाते ही हैं और पूरा 9 दिन भले ही ना जाए तो 4-5 दिन तो वो जाते हैं। जैसे छुट्टियाँ हो जाती हैं वो जाते हैं, तो उनको अलग अलग ड्रेस चाहिए रहती है रोज। तो कुछ कलेक्शन मेरे पास है पहले से बच्चों के पास, कुछ ख़राब हो गई फेंक दिया और मैं कुछ कलेक्शन उनके लिए अभी मंगवाई हूँ। तो आज मैं जो है ना यही दिखाने वाली हूँ। आप मेरे ना चनिया चोली का कलेक्शन देखिए और मेरे दोनों बच्चों का मतलब, और उसमें मैं भी शामिल रहती हूँ, मैं भी कभी पहन लेती हूँ उनका, तो वो ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि वो डेली नाचते हैं और उनको बहुत अच्छा डांस भी आता है। पर मेरे को तो इतना आता नहीं ना, मैं थोड़ा बहुत फ्रेंड लोगों के साथ ऐसा ही थोड़ा घूम लेते हैं। तो जो है वही मैं ना आज दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे को बताइएगा कि मेरा कलेक्शन कैसा है, अच्छा है कि नहीं, आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ, मैं एक एक करके अपना कलेक्शन, मेरे पास कितने चनिया चोली हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, है ना। ये दोस्तों जो है ना, बेड पर बैठ कर के अच्छे से देखती हूँ मैं फैला फैला कर, कोई तो है नहीं ना कि मेरा जो है वीडियो शूट करके दे, तो हम ही आपस में देखते हैं ना। तो देखिए फ्रेंड्स जो है ना, ये मेरे पुराने कलेक्शन है, मेरे बच्चों के ना ये सब खराब हो गए हैं। ये देखिए इसके ब्लाउज वगैरह खराब हो गए, काफी पुराना है ये। तो ये तो पुराना है, फिर भी मैंने अच्छे से वॉश करके हमेशा रख देती हूँ कि कभी काम आएगा ना, बारिश वगैरह में कुछ नहीं रहता है तो। और ये है, इसका भी ब्लाउज जो है ऐसा है, ये छोटू का है, शुभी सिंह का है, ये छोटा हो चुका है, मेरी छोटी बेटी का है ये। ये देखिए, तो ये जो है ना, ये देखिए ये ऐसा है, एक ये हो गया, ये छोटा हो चुका है बिल्कुल, किसी को भी नहीं होता है ये। तो अब इसको, अब इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, तो मैं कहीं निकाल भी नहीं रही हूँ, किसी को दे भी नहीं रही हूँ, फिर पुरानी चीजें कोई लेता भी नहीं ना, जल्दी से किसको दे दे। तो रखे हैं, कभी देखेंगे कोई हमारे घर आएगा तो उसको पहनाने के काम आएगा। और ये इसकी चुन्नी, चुन्नी बहुत छोटी है थोड़ी सी, और ये पहला वाला दिखाई थी उसकी चुन्नी, ये दुपट्टा है उसकी, ये तो अच्छा है यार, बहुत सुंदर आता है इसका लुक, पुराना वाला है ये, ऐसा है। तो ये हो गया मेरा दो, और ये हो गई एक और है, ये पुराना वाला, ये भी पुराना ही है, मतलब काफी समय हो गया मैंने लिया था। खड़ी हो जाती हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये ब्लैक वाला, ये 3-4 साल पुराना है दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा निकला इसका कपड़ा और अभी भी चल रहा है। इसका ब्लाउज मालूम नहीं कहाँ रख दिया इसने, मिल नहीं रहा था मुझे, आएगी बेटी ना तो देगी। तो ये हो गया दोस्तों, इसका जो है ना, इसका ब्लाउज भी ना ऐसा ही है, इस ऐसा पूरा वर्क है उसमें, तो बहुत प्यारा लगता है ये पहनने के बाद, तो एकदम बहुत ही गजब का लगता है ये वाला। और ये जो है ना, इसका ये दुपट्टा हो गया, इसके अभी सब प्रेस वगैरह करेंगे बच्चे,
अभी ऐसे ही रखा और ये इसकी ब्लैक का दुपट्टा हो गया। एक दिन मैंने पहना था, मैंने रील बनाया था तो ऐसे ही रखा है। और ये है मेरा नया कलेक्शन, तो मैं इसको साइड में रखती हूँ और एक एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अभी जो है ना इसको बड़ौदा से मंगाया है। ये गए थे हमारे हस्बैंड, मैंने बताया था ना हस्बैंड जी गए टूर में, तो ये हो गया इसकी चोली। और ये हो गया इसका लहंगा, ये देखिए खूब अच्छा, खूब बहुत बहुत अच्छा सा घेर है इसमें, ये देखिए एकदम फुल घेर है, एकदम फुल साइज भी है। और ये हो गया इसका जो है, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, बाद में हम वीडियो शूट करेंगे। और ये है उसका दुपट्टा, ये है इसकी चोली, वो दुपट्टा और ये लहंगा, कॉम्बिनेशन कैसा है दोस्तों? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, एकदम साड़ी जैसा है, बिल्कुल सिल्क की साड़ी की टाइप का है। सिल्क मतलब ना कॉटन है ना सिल्क है, बहुत आरामदायक है ये। और दूसरा जो है, और मैंने ना दोनों समझ में नहीं आया, ऑनलाइन था तो, लेकिन अच्छा है, मतलब सेम नहीं हो जाएगा ना, हमारे पास ब्लैक भी है, रेड भी, ऑरेंज भी है, तो मैंने इस बार ये वाला मंगाया है। ये देखिए ये भी कॉटन भी नहीं है, मिक्स है। ये इसका दुपट्टा है दोस्तों, ये देखिए ये है सीधी साइड में ऐसा है ना। और ये इसका जो है, ये दुपट्टा मैं डाल लेती हूँ अपने ऊपर। और ये इसका लहंगा, ये देखिए, ये इस बार हमने वाइट लव मंगाया है। और ये चोली कहाँ गई, और ये इसका, ये देखिए ये लहंगा वाइट कलर का, एक ये वाइट है, वाइट बेस पे है। और जो है ना इसका ब्लाउज ये है, ऐसा ये इसका हो गया। ये फ्रेंड्स ये जो है इसका ये ब्लाउज हो गया, ये ब्लाउज भी अच्छा लग रहा है। इसको तो हम ही पहनेंगे, कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि इसकी बाजू पहले से लगी हुई है ना, बच्चे नहीं पहनेंगे, तो ये भी अच्छा लग रहा है नया स्टाइल का। और ये देखिए सेम में है ना, इसमें जो है ना कढ़ाई है थोड़ी सी है ना, ये देखिए। और जो है ना ये भी वाइट है, लेकिन ये ऑफ वाइट, ये भी ये इसका अलग है, ये अलग कपड़ा है थोड़ा सा, ये अलग, ये तो बिल्कुल कॉटन का है, ये भी वाइट है, लेकिन ये देखिए दोस्तों एक ये हो गया। तीन हमने मंगवाए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी हो रहा है, बच्चे लोग संभाल नहीं पाते हैं। डार्क तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी है डार्क अपने पास ना, दो ठो डार्क हो गया तो फिर, और लहंगे भी बहुत सारे पड़े हैं तो कभी कभी बच्चे लोग वो भी पहन लेते हैं। और ये देखिए ये जो है ना इसकी चुन्नी है, ये दुपट्टा है इसका, ये देखिए ऐसे है ना, ये भी बहुत सुंदर है और अच्छी लेंथ है इसकी दुपट्टे की। और ये इसका वो है लहंगा, मतलब घाघरा, ये है ना। और ये जो है ना ये इसकी इसका ब्लाउज है, ये ब्लाउज हमें बहुत सुंदर लगा ऑनलाइन भी। ये देखिए इसका ब्लाउज कितना सुंदर है ना, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और ये देखिए है ना, ये इसमें ऐसे डोरी वाला है, तो ये वाला ब्लाउज किसी और में भी काम बहुत आएगा दोस्तों। किसी भी अगर साड़ी वगैरह पहननी है, कुछ कोई लहंगा है किसी टाइप, कोई सा भी कलर का, जैसे कंट्रास्ट कलर में, तो उसके साथ भी ये बहुत सुंदर लगेगा है ना। तो ये ब्लाउज बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाला है, तो इसलिए हमने ये वाइट तो ले लिया था, लेकिन फिर हमने देखा इसका ब्लाउज बहुत सुंदर है, तो हमने बोला ये ले लेते हैं, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी बेटी मेरी पत्ती दुबली है ना थोड़ी सी, तो उसके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा, तो ये है इसका ब्लाउज। तो ये हो गए तीन तीन सेट ये हो गए मेरे,
नहीं नहीं मैंने नया जो मंगवाया है वो अभी मैं पूरा फैला के दिखाऊंगी, है ना। और जो है ना ये तो ज्वेलरी हमने ऑनलाइन मंगाई थी फ्रेंड, थोड़ी सी है, थोड़ी बच्चों के पास में भी है, तो थोड़ी मैंने क्या किया, ये ना 295 या 83 ऐसे ही कुछ समथिंग था। तो ये देखिए मेरा जो है ना एक ये, मैं इसको एक ये था, ये देखिए मैं इसको हटा देती हूँ, है ना, फिर दिखेगा। एक ये देखिए, ये था साथ में ही था, ये एक साथ हमको मिला है, मैंने मीशो से परचेस किया था ना, तो और इसके साथ में ये है ना, और ये, और फिर इसके साथ में ये एक लॉन्ग वाला, ये पूरा सेट ही है, अगर एक को पहनना हो अलग अलग भी पहनना तो भी चलेगा। और ये देखिए इसके साथ में जो है ना ये है कान का इसका, ऐसे दिखाती हूँ, थोड़ा पास में आए तो दिखेगा, ये है ना, सुंदर लग रहा है एकदम, लाइट वेट है एकदम। ये मैं दिखाती हूँ, सारी जो है ना गरबा की तैयारी बच्चों ने करके रखी है, मैंने ही करके रखी है, फिर बाद में चिल्लाते हैं ना, इस बार तो मैं भी बनाऊंगी, सोचा है मैं भी बनाने वाली हूँ, सारा कुछ पहनने वाली हूँ। और एक ये है, ये जो है ना ये इसके इस वाले सेट के साथ में है, अलग अलग भी इसको पहन सकते हैं और एक साथ सेट करके भी पहन सकते हैं, ये है ना ऐसे। और ये कान के बहुत सुंदर है, एकदम लाइट वेट है, झुमके की तरह आता है बिल्कुल, लेकिन है टॉप्स, है ना, ये हो गया, मुझे बहुत सुंदर लगा। और एक ये हो गया, ये जो मैंने डाला है ना ये उसके कान के, सुंदर लग रहे हैं, ज़्यादा बड़े हैं और ना ज़्यादा छोटे, हो गया ना। ये है हमारी कलेक्शन लहंगे की, ज्वेलरी की। और एक ये है, ये हमारे पास बहुत पहले से था, वो बेटी ने रेड वाला लिया था ना उसके साथ ब्याह करने के लिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, मैं डाल लेती हूँ, मेरा अच्छा लुक आएगा वीडियो में, इसको मैं डाल लेती हूँ। और फिर ये हमारा जो है ना कलेक्शन था दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने मेरा लहंगा मतलब चनिया चोली का कलेक्शन, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा चनिया चोली का कलेक्शन। अब देखती हूँ, बैल बजी थी ना बीच में, मैं देखने गई थी डोर खोलने, तो अब देखती हूँ मनीषा आई है मेरे घर, मैं थोड़ा सा उससे बात करके, और फिर अभी कितना बजा है देखिए पीछे है ना घड़ी, कितना बजा है, 4 बजा, इसमें बंद हो गई है घड़ी, ओह इस रूम में कोई ज़्यादा रहता नहीं ना, तो ये बंद हो गया है, इसको हमने देखा ही नहीं, बंद घड़ी रहनी नहीं चाहिए। तो मेरे पास सेल है, मैं अभी उसमें जो है ना चेंज करती हूँ, सेल नया डालूँगी। और शाम हो गई, हाँ 6 बज रहा है, ये देखिए दिखा आप लोगों ने, 6 बज रहा है, ऐसे भी दिखाती हूँ, शाम कैसे होती है मालूम ही नहीं चलता है, थोड़ा सा लाइट जला दूं, शाम का समय है, ये लाइट तो जलेगी नहीं, ये जल गई, ये देखिए। तो फ्रेंड्स जो है आज का मेरा ना वीडियो मैं ना यहीं पर रखूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, कुछ और मैं दिखाने लगूंगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा चनिया चोली का कलेक्शन कैसा लगा, और मेरा दिखाने का या कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया तो उसका भी कमेंट्स करिएगा, क्योंकि अपने तरीके से मैंने भाई दिखाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। तो दोस्तों अब यहीं पर हम वीडियो को रखते हैं, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम लोग।